अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फरहाना फीस्ट। तो आज बेसिकली ये हमारी कैट की डिलीवरी व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जोई की डिलीवरी हुई थी अगस्त 14 संडे के दिन। उस दिन हम लोग बाहर गए हुए थे, लेकिन हम लोग थोड़े टेंस्ड भी थे कि कहीं डिलीवरी ना हो जाए हमारे गैर मौजूदगी में। लेकिन जो डॉक्टर ने टाइम दिया था उसको कम्प्लीट होने में 5 to 6 डेज और थे। थोड़ी हिम्मत करके हम गए बाहर और फिर घर वापस आए हुए हाफ एन आवर ही हुआ था कि जोई के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए थे कुछ अराउंड 8:15 के करीब। तो ये देखिए, हम लोग ने उसको एक कार्टन प्रोवाइड किया था, उसके अंदर एक बेडशीट को बिछा दिया अंदर और उसके ऊपर से एक ड्राई शीट को डाल दिया था। तो उसको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे और वो कंटिन्यूसली पुश करने की कोशिश कर रही थी, वो बार बार क्लीन कर रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एट द सेम टाइम थोड़े नर्वस भी थे। तो ये देखिए बेचारी किस तरह से टायर्ड हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा हाफ रही थी। जोई को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए बहुत कम ही देर में उसने डिलीवर कर दिया था बेबीज़ को। मैंने तो सुना था यूट्यूब वीडियोस में कि एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स होते हैं थोड़े कैट्स को डिलीवर करने में, लेकिन जोई ने विदिन 1 आवर सारे बेबीज़ को डिलीवर कर दिए थे। तो ये देखिए वो पुश करने की कोशिश कर रही थी, हम लोग बीच बीच में उसको कंफर्ट भी कर रहे थे। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं थोड़ी नर्वस थी और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर पर, तो बस मुझे और बच्चों को ही संभालना पड़ा सब कुछ। लेकिन मैंने पूरा रिसर्च करके रखा हुआ था यूट्यूब वीडियोस देख के, तो अल्लाह के फजल से सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने सुना था कि कैट्स जो बेबीज़ देती हैं उसमें से सारे अलाइव हो, हेल्दी हो, ये गारंटी नहीं है। थोड़े बेबीज़ अच्छे हेल्दी हो सकते हैं और थोड़े अनहेल्दी या फिर मरे हुए भी पैदा हो सकते हैं। तो मुझे इसी बात की टेंशन थी और हमारी बस यही दुआ थी कि सारे बेबीज़ हेल्दी हो। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट बेबी को जोई ने डिलीवर कर दिया था शार्प 9 o'clock को। जोई के कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हुए थे कुछ 8:15 के करीब और विदिन 50 मिनट्स के अंदर उसने फर्स्ट बेबी को डिलीवर कर दिया था। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा हेल्दी बेबी था। हमने कार्टन को एक साइड से कट कर दिया ताकि उसको थोड़ा स्पेस अच्छे से मिल पाए, क्योंकि वो थोड़ा कंजस्टेड था, कार्टन थोड़ा छोटा था साइज़ में। कहते हैं कि कैट्स को प्लेजेंटा को खाने के लिए छोड़ देना चाहिए, तो हमने भी यही किया। इससे जो है, जो कैट्स एग्जॉस्ट होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, इस प्लेजेंटा को खाने से थोड़ी एनर्जी उनको मिलती है। तो ये देखिए, यहाँ पे जिंजर कलर का किटन आया था फर्स्ट, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर था। हम लोग ने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया ये कलर आएगा, क्योंकि जोई जो है वाइट है और हमारा मेल कैट मुएस जो है ग्रे कलर है। तो हम लोग सोचे कि शायद वाइट आएंगे या ग्रे या मिक्स कलर आएंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल यूनिक कलर आया है, जिंजर कलर। बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो यहाँ पे जोई ने ऑलरेडी 2 किटन्स डिलीवर कर दिए, ये था 3rd किटन। अनफॉर्चुनेटली ये जो तीसरा बेबी था वो मरा हुआ पैदा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फुल्ली फॉर्म भी नहीं है। फर्स्ट के 2 बेबीज़ माशाल्लाह अच्छे हेल्दी बेबीज़ थे, लेकिन ये जो 3rd बेबी था ये फुल्ली फॉर्म नहीं है और इसके सांसें भी नहीं चल रही थी। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया उसको, बहुत देर तक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक मैंने कोशिश किया उसके बैक को रब करते हुए, चेस्ट कंप्रेशंस देते हुए, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं था। देयर वर नो साइंस ऑफ लाइफ। और फिर पूरी तरह से वो फॉर्म भी नहीं था, उसके हेयर्स भी आप देख सकते हैं, उसके बॉडी पे हेयर्स भी नहीं आए थे। तो बस हमने उसको रख दिया था सैडली। ये देखिए बेचारी जोई भी बहुत परेशान थी, वो खुद तकलीफ़ में थी, लेकिन देखिए बहुत परेशान थी, अपने बेबी को खोने का गम उसको ऑब्वियसली रहेगा ना। तो वो भी कोशिश कर रही थी उसको उठाने की, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं था। तो जैसे कि डॉक्टर ने स्कैन के वक्त कहा था 3 या 4 बेबीज होंगे, तो ये था 3rd बेबी जो डेड था। इसके बाद जोई ने एक और बेबी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हेल्दी था, तो हम थोड़े खुश हुए कि चलो एटलीस्ट 3 तो होंगे। लेकिन जोई ने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया एक और बेबी को डिलीवर करके।
तो जी ये था फिफ्थ बेबी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हेल्दी बेबी था ये भी, हमारी खुशी की तो हद ही नहीं थी। ये था वाइट कलर। तो टोटल जोई ने 5 बेबीज को डिलीवर किया, उसमें से हमने एक को तो खो दिया, लेकिन माशाल्लाह 4 तो बहुत ही हेल्दी बेबीज थे। तो ये देखिए जी, 4 हेल्दी किटन्स की खुशी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक को खोने का बहुत ज़्यादा गम भी था, मिक्स्ड इमोशंस थे हमारे यहाँ पे, बहुत ही सैड फील हो रहा था इसको देख देख कर। अगर वो भी होता तो टोटल 5 किटन्स होते थे हमारे यहाँ, लेकिन सब अल्लाह की ही मर्ज़ी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हमने जोई को बीच बीच में खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पी रही थी वो, सिर्फ हमने उसको ट्रीट्स खिलाया, उसने ट्रीट्स खा लिए थे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी एग्जॉस्ट हो गई है ये। तो जी 4 बेबीज में 2 थे वाइट कलर के और 2 थे जिंजर कलर के। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे ना सब अपने अपने किटन सेलेक्ट कर ले रहे थे, ये वाला मेरा है, ये वाला तेरा है, ऐसा। ये देखिए, हमने कार्टन को दूसरे साइड से भी सारा कट कर दिया था। अब हमने यहाँ पे ट्रीट्स देना शुरू किया जोई को। सारे बच्चों को डिलीवर करने के बाद ही जोई ने खाना खाया था, बीच में उसने कुछ नहीं खाया। तो ये देखिए, बेबीज किस तरह से ढूंढते हुए अपने माँ के पास जा रहे थे फीडिंग के लिए। जब सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया डिलीवरी का, तो हमने सारे शीट्स चेंज कर दिए थे थोड़ा हाइजीन मेंटेन करने के लिए। जोई ने ही बच्चों को सारा क्लीन कर दिया था अच्छे तरीके से, मैंने भी उसकी मदद की। तो ये देखिए, हमने मुएस को थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में लॉक कर दिया था, हमें लगा कि कहीं वो कुछ हार्म ना करे बच्चों को, तो इसलिए हमने उसको दूसरे रूम में लॉक कर दिया था। अब जबकि सारे बच्चों की डिलीवरी हो गई है, तो हम उसको लेकर आए और ये देखिए वो किस तरीके से इंस्पेक्शन कर रहा था सब कुछ, वो सब कुछ स्मेल करते हुए आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम से शॉक में था मुएस के तो एक्सप्रेशंस। तो ये देखिए, जोई फीड करने लगी अपने किटन्स को, हम लोग ने भी थोड़ा मदद किया था क्योंकि किटन्स को थोड़ी आदत होने तक हमें हैंड फीड करवाना पड़ेगा, बल्कि वो तो खुद अपने आप फीड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखें अभी तक ओपन नहीं हुई है तो उनको जो है ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। ये देखिए मुएस किस तरीके से देख रहा है यहाँ पे, वो खुद हैरान होकर देख रहा था कि एकदम से इतने बच्चे कहाँ से आ गए सडनली। ये देखिए, जब वो हिल रहे थे वो डर कर पीछे पीछे जाने लगा, उस क्लिप को मैंने कैप्चर नहीं किया था। तो जी ये देखिए, आफ्टर 2 आवर्स हमने सब कुछ क्लीन कर दिया था और हम इन लोगों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बेडरूम में जो है हम हर वक्त एसी चलाते हैं, लेकिन किटन्स को जो है थोड़ा गर्म टेम्परेचर ही रखना पड़ेगा, इसलिए हमने बगैर फैन के दूसरे रूम में इन लोगों को शिफ्ट कर दिया है। लेकिन जोई को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है, उसको तो एसी की बहुत ज़्यादा आदत है, फिर भी बच्चों के लिए बेचारी वो वहीं पे सो रही थी फीडिंग करवाने के लिए। लेकिन आपको पता है, वो सिर्फ फीडिंग के लिए ही अपने बच्चों के पास रह रही थी, बाकी का वक्त जो है हमारे रूम में बेडरूम में आके एसी में सोने लगी। तो ये देखिए, नेक्स्ट डे ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, हमारे पास ऑलरेडी ये स्टोरेज बॉक्स एक पड़ा हुआ था नया, तो किटन्स जो है रेंगते हुए इधर उधर जा रहे थे, तो हम लोग सोचे क्यों ना इस बॉक्स में रख दे और थोड़ा सा सामने से कवर कर दे ताकि वो उसी में रहे। तो हम लोग ने इस तरीके से इनको सेट कर दिया था शीट डाल के नीचे, अंदर पहले नीचे बेडशीट डाले, उसके ऊपर ड्राई शीट डाल के हमने उनको सुलाया था। माशाल्लाह लग रहे हैं ना बहुत प्यारे,
तो आप लोग भी माशाल्लाह कहिए प्लीज़ मेरे किटन्स को और जोई को। और अगर आप लोगों ने हमारे कैट्स की हेल्थ चेकअप व्लॉग नहीं देखी है तो आई रिकमेंड यू कि आप उस व्लॉग को भी ज़रूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी। तो जी ये था हमारे कैट की डिलीवरी का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। और ये थे जी वन वीक ओल्ड किटन्स, अल्लाह हाफिज़।